तन को यश गाय भवसागर के तरण को नाहिन पाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री भक्तमाली पंडित जी महाराज की जय। बाबा श्री माधोदास जी महाराज की जय। प्रियादास जी महाराज की, सब संतन की जय। आचार्य चरण की जय। जय जय श्री राम। परमादरणीय गुरुजन वृंद, भक्त वृंद, बड़े सौभाग्य से आपके इस नगर में बहुत दिनों के बाद उपस्थित हो करके और भक्तमाल के संबंध में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस दिल्ली राजधानी में बड़े से बड़े वक्ता, कौन ऐसा बड़ा विद्वान होगा जिसने आकर के दिल्ली में प्रवचन न किया हो, और नित्य यहाँ पर सत्संग होता ही रहता है। यह बहुत बड़ी इसकी महिमा, दिल्ली वर्तमान समय में यह दिल्ली है नहीं, पहले इसका नाम इंद्रप्रस्थ था, और यह युधिष्ठिर आदि पांडवों की राजधानी है। यहाँ पर युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, यह और द्रौपदी, माता कुंती, सब यहाँ पर रहते थे, और इनमें स्नेह होने के कारण इन पांडवों में, पांडवों के परिवार में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा स्नेह था, प्रेम था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार यहाँ दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में आते रहते थे। और केवल आते ही नहीं, आने के बाद यहाँ रहते थे। इसका संकेत भागवत के एक श्लोक से मिलता है। भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं, यूयम आप लोग जितने हैं, यूयम नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भयंती एषां गृहा नावसतीति साक्षात गूढ़ परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। सुखदेव जी ने भागवत में लिखा है, भागवत में सप्तम स्कंध में श्री नारद जी ने राजसूय यज्ञ में प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, और प्रहलाद चरित्र को सुनाने के पश्चात, प्रहलाद जी तो बड़े भाग्यशाली थे, भक्त थे, उनके लिए भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, वो तो बड़े थे ही, लेकिन वर्तमान समय में यूयम आप लोग, प्रहलाद की अपेक्षा आप लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रहलाद जी को तो केवल एक दृश्य देखने को मिला, भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप को मार करके अंतर्धान हो गए, प्रहलाद जी के सामने केवल एक दृश्य उपस्थित हुआ। और यूयम आप पांडव लोक, यह इस मनुष्य लोक में बड़े भारी भाग्यशाली हैं। वत भूरि भागा, आप पांडव, आपका परिवार बहुत बड़ा भाग्यशाली है। क्यों? कि लोकम पुनाना मुनयो भियंती, लोकों को अपने भ्रमण से पवित्र करने वाले बड़े बड़े जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, वह आपके यहाँ नित्य आते रहते हैं। समाधि छोड़ करके क्या करें, समाधि लगा करके चलो युधिष्ठिर के यहाँ चलें, वहां भगवान का दर्शन हो जाएगा और भगवान के भक्तों का दर्शन होगा। यह विचार करके
लोगों को पवित्र करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन पांडवों के यहां आते। अभियंत का तात्पर्य होता है कि एक बार नहीं, बार बार घूम घाम करके आ जाते हैं, क्योंकि येषां गृहानावसतीति साक्षात, उन पांडवों के घर में येषां बहुवचन का प्रयोग है, अर्थात पांडवों के यहां एक जगह नहीं, युधिष्ठिर के यहां, भीमसेन के यहां, नकुल सहदेव के यहां, द्रौपदी के यहां और माता कुंडी के यहां, इन सबके घरों में भगवान श्री कृष्ण आवसति निरंतर निवास करते हैं। आवसति आ शब्द का अर्थ होता है कि आसक्त्या, निरंतर निवास करते हैं। क्यों निरंतर करते हैं? आसक्ति के कारण, भगवान श्री कृष्ण की आसक्ति अपने भक्त पांडवों में है, इसलिए बार बार भगवान वहां पर निरंतर ही निवास करते हैं। कौन भगवान? गूढ़म, जो भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए, भगवान ने अपने चारों ओर माया का पर्दा इस प्रकार से डाल रखा था कि प्रत्यक्ष बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी लीलाएं सब कुछ करने पर भी बड़े बड़े लोग भी उनको समझ नहीं पाते थे कि यह श्री कृष्ण परमात्मा है। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ और उसमें कुछ ही लोगों ने श्री कृष्ण को पहचाना और इन पांडव भक्तों को पहचाना, बाकी सब लोग भगवान श्री कृष्ण को मरण धर्मा मनुष्य मानते थे। कर्ण ने एक बाण छोड़ा, एक अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई, और भगवान श्री कृष्ण का रथ, श्री कृष्ण अर्जुन नहीं जले, तब अपने को धिक्कारने लगा, धिक्कार है हमको, ये कैसे बच गए। उस समय भगवान वेदव्यास ने प्रकट होकर के कर्ण को समझाया कि यह मरण धर्मा मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है, नर नारायण भगवान है, लेकिन समझाने कहने पर भी कर्ण की समझ में नहीं आया कि ये परमात्मा है, समझ करके भी उसने नहीं समझ पाया। भगवान इतने दुर्लभ हैं, उस महाभारत के प्रसंग में केवल एक भीष्म पितामह और भगवान द्रोणाचार्य सम्यक प्रकार से जानने, और तीसरे श्री विदुर जी महाराज, इनके अतिरिक्त सब लोग जानते नहीं थे, और कुछ लोग जानते भी थे तो पूरा विश्वास नहीं, सबके मन में भ्रम था, भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझा सके। भगवान श्री कृष्ण ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, अर्जुन के निमंत्रण देने पर स्वयं भगवान ने अपने को, दुर्योधन और अर्जुन का साथ साथ महाभारत युद्ध के लिए निमंत्रण था, लेकिन भगवान ने कहा कि हमने तो पहले अर्जुन को देखा है, अर्जुन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। दुर्योधन ने कहा यह आपका पक्षपात है, पहले मैं आया हूं। अर्जुन के पहले दुर्योधन आ गए थे, लेकिन अहंकार के कारण और सिरहाने की तरफ बैठे थे। बाद में अर्जुन आए तो भगवान श्री कृष्ण के शयन कर रहे थे, चरणों की ओर बैठे, भगवान की आंख खुली तो सबसे पहले अर्जुन को देखा। कहो कैसे आए? अर्जुन बताया कि महाराज महाभारत की युद्ध की तैयारी हो गई है, आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं, आप मेरे पक्ष में रह करके मुझ पर कृपा कीजिए। दुर्योधन बोल उठा, रहे पहले तो मैं आया हूं। भगवान ने कहा पहले अर्जुन को, ये आपका पक्षपात है, पहले मैं आ गया। भगवान ने कहा नहीं, आप दोनों का निमंत्रण स्वीकार है, दो जगह कैसे रहेंगे? तो एक तरफ तो मैं केवल अकेला रहूंगा और किसी हथियार को नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, केवल रहा आऊंगा, और दूसरी ओर मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना जिसमें अपार बल है वह रहेगी, तो क्या लोगे? तो जो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को नहीं लिया, दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी सेना, जब तुम हथियार उठाओगे नहीं तो युद्ध में तुम्हारा क्या प्रयोग होगा? कोई युवराज मंडल तो नहीं है, नाचने गाने की जगह तो नहीं है, वहां तो हथियार लेकर लड़ना ही पड़ेगा। दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी सेना ले ली, नारायणी सेना भगवान श्री कृष्ण की, और अर्जुन जो है वह
भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में आ गए। इस भगवान की लीला को भगवान ने बीच बीच में महाभारत में अनेक चमत्कार दिखाया और अनेक ऐसे दृश्य आए कि लोगों को भक्त की महिमा और भगवान की महिमा समझ लेनी चाहिए थी। एक बार दो बार नहीं, लेकिन बारंबार ऐसे अवसर आए, लेकिन माया का पर्दा और अहंकार के कारण, जिसके मन में अहंकार रहता है वह भगवान को, भगवान के भक्त को पहचान नहीं पाता है। और पुनः भक्त को जेह चाहो तेह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। स्वयं भगवान अपने को जिसे जनाना चाहे वह भगवान को जान पाता है, अन्यथा किसी संत महात्मा की गुरुजनों की कृपा हो वह भगवान को, भगवान के भक्तों को पहचान सकता है। दूसरे की समझ में नहीं आता, पहचान में भगवान नहीं आते। द्रौपदी की लीला हुई, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। विश्व के इतिहास में दुर्योधन की सभा में जैसा अन्याय हुआ, द्रौपदी का चीर खींचा गया, इस तरह का अन्याय विश्व के इतिहास में कहीं नहीं। और उसका यह संकल्प कि मैं नग्न करके अपनी जांघ पर बैठाऊंगा, यह बहुत बड़ा अनुचित संकल्प था। और लेकिन उस सभा में धृतराष्ट्र नहीं रोक सके, तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं। और सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि ये लोग भी नहीं रोक सके। उसका कारण था कि दुर्योधन के दुष्ट अन्न को खाने के कारण इन सब की बुद्धि जो है वह दूषित हो गई। और भगवान की महिमा, भगवान की इच्छा, भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट करना चाहते थे। द्रौपदी को कपट के जुआ में हारा गया। कपट के पासे शकुनी ने बनाए थे जिसमें हार जो है होती चली जाए, जीत का प्रश्न ही नहीं। अंत में अपना सर्वस्व राजधानी, अपने को भी हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने आदेश दिया, पकड़ करके लाओ दुशासन। द्रौपदी के केश पकड़ करके तो खींचते हुए लाया। द्रौपदी एक वस्त्रा थी और उस समय रजस्वला थी, जिसे छूना देखना भी पाप है। सब कहा भी द्रौपदी ने, लेकिन दुशासन ने कुछ न मान करके खींच करके ले आया। और दुर्योधन ने आज्ञा दिया कि नग्न कर दो इसको। दुर्योधन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है। साड़ी को पकड़ करके खींचने लग गया। खींचते खींचते भगवान ने, द्रौपदी ने सबकी आशा रखी कि ये रक्षा करेंगे, लेकिन किसी की जब आशा निराशा में बदल गई, किसी ने रक्षा नहीं किया, कोई बोला नहीं। 5 पति बैठे हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा बैठे हैं, सब लोगों ने सिर नीचा कर लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण तो वहां भी थे, लेकिन द्रौपदी ने द्वारका वासी कहकर के पुकारा। द्वारका वासिन कृष्ण, हे द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण, आओ मेरी रक्षा करो। तो भगवान वहां थे, लेकिन भगवान को अपने भक्त की वाणी पर बड़ा भारी प्यार रहता है। जो कुछ भक्त के मुख से निकल जाए भगवान उसे पूर्ण करते हैं। द्वारकावासी द्रौपदी के मुख से निकल रहा था, इसलिए भगवान यहां से भाग करके द्वारका गए और द्वारका से लौट करके, द्वारका से भगवान भाग करके लौट करके यहाँ आए। और उन्होंने 11वां अवतार धारण किया। दशावतार प्रसिद्ध थे और इस समय भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। तीर बढ़ने लग गया, 10,000 हाथियों का बल वह घट गया, नष्ट हो गया।
लेकिन द्रौपदी का चीर नष्ट नहीं हुआ, 10 हाथ की साड़ी वह कम नहीं हुई। यही समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी इसके भीतर भरी भरी है, यह साड़ी है कि साड़ी की ही स्त्री बनी हुई है। और बड़े बड़े तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्रों के ढेर लग गए, इतने बड़े ढेर लग गए जो देखते नहीं बनता था। और अंत में साड़ी खींचते खींचते दुशासन की भुजाएं हार गई, थक गया, हांफने लग गया, गिर गया, मूर्छित हो गया। उस समय श्री विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, भले तुम आंखों से अंधे हो लेकिन तुम्हारा विवेक अंधा नहीं है, चुप बैठे हो और अब बहुत बड़ा अन्याय हो चुका, अन्याय की सीमा हो गई। तुम्हारे महल के ऊपर गीध मरवा रहे हैं, चाहो तो अपने परिवार की रक्षा करो, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उस समय विदुर जी के कहने पर धृतराष्ट्र जी ने द्रौपदी को बुलाया, सम्मान किया और जुआ में जो हार हो गई थी उसको बदल दिया और कहा तुम वरदान मांगो। तो द्रौपदी जी ने सबसे पहले अपने पति जो हार गए थे, क्षत्रिय से अब दास हो गए थे, क्षत्रिय नहीं रहेंगे, तो उन वरदान मांग करके उनको मुक्त किया, दासत्व से मुक्त किया। और इसके पश्चात उनका जो राज्य था वह भी धृतराष्ट्र ने दे दिया, जुआ का खेल खत्म हो गया और पांडव अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के लिए आ ही रहे थे, रास्ते में ही थे। और इसी बीच शकुनी, दुर्योधन का मामा, धृतराष्ट्र के पास गया और बोला, अंधे जीजा जी, सब कुछ आपने बिगाड़ दिया, बना बनाया काम आपने बिगाड़ दिया, हमने सब कुछ को जीत लिया था और आपने खेल को ही खत्म कर दिया, वापस कर दिया, मेरी बात मानो, एक बार जुआ और होने दो, एक बार और उनको बुलाओ। तो देखो महाभारत में जुआ जो हुआ, कितने लोग युधिष्ठिर का नाम लेते हैं कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला, ये बात गलत है। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का कोई शौक नहीं था, लेकिन जुआ का एक व्यसन ऐसा होता है, खेलने लग जाओ तो फिर बढ़ता चला जाता है, इस बार जीतूंगा, इस बार जीतूंगा। दुर्योधन वस्तुतः जुआ खेलने का प्रस्ताव दुर्योधन का था और जुआ खेलने में नाश दुर्योधन का हुआ, युधिष्ठिर का कुछ नहीं बिगड़ा। युधिष्ठिर जी जो है वह परम पवित्र रहे और जुआ का पाप दोष दुर्योधन को ही लगा। और धृतराष्ट्र दुविधा के मूर्ति थे, फिर से बुलाओ उनको, संजय को बुलाया गया, जाओ संजय, युधिष्ठिर को सबको फिर से बुला लाओ, एक बाजी और होगी, यह इच्छा है शकुनी की और दुर्योधन की। तो अभी वो राजधानी इंद्रप्रस्थ तक पहुंचे भी नहीं थे कि संजय ने जाकर कहा कि आपके पिताजी चाचा जी धृतराष्ट्र फिर आपको बुला रहे हैं और एक बार एक बाजी और होगी। तो युधिष्ठिर आज्ञाकारी थे, अपने पिता के ही नहीं, पिता के आज्ञाकारी थे और युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को भी अपने पिता के समान ही मानते थे। पांडु तो मर चुके थे नहीं, लेकिन पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानते थे। चाहे जितना अन्याय धृतराष्ट्र के द्वारा हुआ, लेकिन युधिष्ठिर ने उनकी निंदा नहीं की और उनकी आज्ञा मानने से कभी इनकार नहीं किया। अजात शत्रु श्री युधिष्ठिर भी लौट करके आ गए और आज्ञा हुई कि भाई ये खेलना चाहते हैं, एक बार और खेल लो। तो जो आज्ञा, तो युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ खेला और इस बार जुआ खेलने में जो हार जाए 12 बरस के लिए वनवास में चला जाए और 1 साल अज्ञातवास करे, इस तरह छिप कर रहे कि पता न चले कहाँ हैं, सब लोग पांचों लोग छिप करके रहो और पता चल जाएगा तो फिर 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा, इस शर्त पर जुआ हुआ। और तो कपट के पांचे थे,
शकुनी के पासों की विजय हुई और यह सर्वस्व त्याग करके पांडव जो है वह वन को चले गए। एक वस्त्र, सामान्य वस्त्र, राज वस्त्र नहीं, सामान्य वस्त्र धारण करके अपने अस्त्र शस्त्रों को लिए हुए नगर से बाहर चले गए। हस्तिनापुर की प्रजा रो रही थी, हजारों ब्राह्मण युधिष्ठिर के साथ चलने लग गए। हम हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे, आप वन में रहोगे तो आपके साथ ही रहेंगे। हजारों ब्राह्मण युधिष्ठिर के साथ वन में रहने लग गए। तो धौम्य नाम करके इनके गुरु थे, तो गुरु जी महाराज ने एक स्तोत्र बताया, सूर्य भगवान की स्तुति करके एक पात्र ऐसा प्राप्त किया युधिष्ठिर जी ने कि जिस पात्र में बहुत अधिक जो कुछ बनाया जाए वह चुके नहीं, खिलाते चले जाओ। भगवान सूर्य ने वरदान दिया, इस पात्र में कोई सामान घटेगा नहीं, जो चाहो इसमें बना लो, और जब तक स्वयं द्रौपदी भोजन न कर लें तब तक इस पात्र से अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होंगे और वे घटेंगे नहीं। उस पात्र की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि हजारों ब्राह्मण साथ में थे, और नहीं तो ये तो फल फूल खा करके निर्वाह कर लेते। इसलिए जंगल में रहते भए भी नित्य ये पांडव लोग हजारों ब्राह्मणों को, साधुओं को, सबको भोजन कराते, और जंगल में सत्संग। हारा हुआ वह हारे हरि को जाएंगे, हारा हुआ भगवान के समीप पहुंचा, भगवान की शरण में पहुंचा, और जीते हुए दुर्योधन अहंकार में लिप्त हो करके अज्ञान में मोहित हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज ने वनवास काल में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सत्संग प्राप्त किया और बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की। अर्जुन ने तपस्या करके इंद्रलोक तक गए और स्वयं भगवान शंकर को युद्ध में परास्त करके पाशुपत अस्त्र को प्राप्त किया। इस तरह से इन पांडवों का पुण्य बढ़ता ही गया, कोई घाटा नहीं हुआ, तपस्या बढ़ती गई और इनका पुण्य बढ़ता गया। 12 वर्ष हो गया तब इन सब लोगों ने छिपने का प्रयत्न किया, अस्त्र शस्त्रों को छिपाया, विराट नगर में जाकर के सब लोग छिप गए, अपना अपना नाम बदल करके, अपना अपना रूप बदल करके विराट राजा के यहां रहने लग गए। भीमसेन तो रसोईया बनकर के रहने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं राजा के साथ द्यूत क्रीड़ा में प्रवीण होने के कारण मैं खेल में उनका मनोरंजन करता था। नकुल सहदेव यह अश्वचालन में विभाग में आ गए। इस तरह से अर्जुन जो है वह नपुंसक बनकर के रहने लगे, क्योंकि इंद्र की सभा में इंद्रासन पर बैठे हुए थे। उस समय उर्वशी जो सबसे श्रेष्ठ अप्सरा है उसने अर्जुन को देखा, अर्जुन उसकी ओर देख रहे थे, तो उसने सोचा कि अर्जुन मेरी ओर देख रहे हैं, तो अर्जुन की सेवा में पहुंची कि मैं आपकी सेवा में हूं, आप मेरी ओर देख रहे थे। अर्जुन ने कहा मैं आपकी ओर नहीं देख रहा था, मैं तो इसलिए देख रहा था कि हमारे कुल परिवार की आप माता हो और इतनी सुंदरी हो और हमारे परिवार की माता हो, इसलिए आपकी ओर देख रहा था, तुम तो मेरी माता हो। अरे हम तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, किसी की माता बहन नहीं होती हैं, सबकी होती हैं। उन्होंने कहा नहीं स्वीकार किया तो उर्वशी ने शाप दिया कि तुमको एक वर्ष तक नपुंसक रहना पड़ेगा, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। तो अर्जुन ने एक वर्ष नपुंसक बन करके और राजा विराट के यहां रहे, विराट की लड़की को संगीत विद्या सिखाते रह गए। अंत में साल जो है वह बीतने को आ गया, साल बीत गया और यह दुर्योधन आदि इनकी सेना, इनके गुप्तचर सब पता लगाते लगाते थक गए, कोई पता नहीं लगा सका। अंत में भीमसेन ने कीचक को मारा, तो कीचक की मृत्यु का समाचार सुनकर के दुर्योधन ने समझ लिया कि कीचक को, बड़ा बलवान दैत्य था,
उसे मारने वाला सिवा भीम के और नहीं हो सकता है। इसलिए विराट नगर में ही ये पांडव लोग छिपे हैं। कैसे इनको प्रकट किया जाए, तो लोगों ने विचार किया कि विराट का गौधन जो है, गौएं जो है, उनका हरण किया जाए और गौओं की रक्षा करने के लिए वो प्रकट हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। बहुत बड़ी सेना, जितने दुर्योधन के पक्षपाती थे, सब लोग आए और उन्होंने गौओं का हांकना आरंभ कर दिया। तो उस समय यह देख करके इनकी सेना से कोई लड़ नहीं सकता था। विराट का लड़का उत्तर कुमार था, उत्तर कुमार को कहा कि चलो तुम चलो युद्ध में। उसका साहस नहीं था, फिर उसको सारथी बनाया। सारथी भी बनने में उसको कठिनाई थी। अर्जुन ने स्वयं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, और बहुत बड़ी सेना थी, उस सेना के सामने जा करके अर्जुन ने सब सेना को पहले तो बाण फेंक करके गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। बाण चरणों में आकर गिरा, फिर बाण मार करके भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। ये लोग समझ गए सिवा अर्जुन के इतनी शिष्टता और किसी में नहीं। बता दिया कि अर्जुन हैं, पांडव हैं, इनसे जीतना बहुत कठिन है। युद्ध होने लग गया तो देर नहीं लगी, अर्जुन ने सारी सेना को परास्त कर दिया। तो यहां पर इनको समझ लेना चाहिए था कि अकेला अर्जुन है और हम लोग, दुर्योधन की सेना है, भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, जितने हैं बड़े बड़े वीर बलवान सब हैं, और अकेले अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया, मूर्छित कर दिया और सबके वस्त्रों को जो सभा काट लिया, ले गए। तो इनसे युद्ध करना ठीक नहीं, यह बुद्धि उनको नहीं आई। नहीं, यहीं पर समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुद्धि आई। उसका कारण यह था कि भगवान की कृपा नहीं थी। भक्त और भगवंत को समझने के लिए भगवान की, भक्तों की कृपा चाहिए। अंत में प्रकट हो गए ये और आए और हमारा आधा राज्य दे दो, क्योंकि हम साल भर अज्ञातवास करके आ गए, 12 वर्ष वनवास करके आ गए। गणित किया जाने लगा तो गणित में बिल्कुल ठीक ठीक 12 वर्ष पूरे हो गए थे और एक साल पूरा हो गया था, लेकिन उन लोगों का गणित ऐसा था कि किसी तरह से इनको फिर से 12 वर्ष के लिए भेजना था। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, 12 वर्ष पूरे होने के बाद एक वर्ष पूरा नहीं हुआ, इसी में विवाद हो गया, और फिर 12 वर्ष के लिए जाओ। इन्होंने कहा कि नहीं, 12 वर्ष पूरा हो गया है, तो पूरा हो गया है तो मैं युद्ध के बिना एक इंच भूमि नहीं दे सकता, इंच नहीं, सुई की नोक के बराबर। तो भगवान श्री कृष्ण को दूत बना करके भेजा गया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के ऐसे भक्त थे कि सारथी बनना ईश्वर का काम नहीं, सारथी पना करना कोई ईश्वर का काम नहीं, लेकिन अपने प्रेमी भक्तों के इतने अधीन थे कि सारथी बन गए। सारथी बनने में रथ में बैठने पर सारथी का स्थान ऊंचा होता है, नीचा रहता है, और रथी जो युद्ध करता है वह ऊपर रहता है। पंडित लोग कहते हैं कि सारथी की इच्छा होती है किधर रथ चलाऊं, तो रथी की आज्ञा स्वीकार करता है, तो रथी अपने पैर के अंगूठे से सारथी की कनपटी में इशारा करता है। तो श्री कृष्ण की कनपटी में, कान के पास में अर्जुन अपना अंगूठा लगा करके इशारा करते थे कि दाहिनी तरफ अथवा बाईं तरफ रथ को ले चलो। इतने बड़े अधीन थे, अर्जुन के अंगूठे भगवान श्री कृष्ण के कान के समीप रहते थे, इशारा करते थे। भगवान इस प्रकार सारथी बने और जब निश्चय हो गया कि युद्ध होगा तो लोगों ने राजनीति अपनाई। पहले संधि का प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए, सहसा युद्ध नहीं करना चाहिए। सहसा विधि तनक क्रियाम, कोई काम सहसा एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक पूर्वक किया हुआ कोई कार्य वह आपत्ति को पैदा करता है। तो दूत जाना चाहिए, तो दूत कौन बने, कौन दूत जाए, तो श्री कृष्ण ने स्वयं दूत बनना स्वीकार किया। दूत बनना परमात्मा ईश्वर का काम नहीं है।
सारथी बने हुए थे इसलिए किसी ने श्री कृष्ण को नहीं पहचाना, और दूत बन करके गए इसलिए भी श्री कृष्ण को किसी ने नहीं पहचाना। यद्यपि सारथी बनने पर भी और दूत बनने पर भी भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, दिखाया। सारथी बन करके गए, सभा में गए, बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव किया कि पांडवों का आधा राज्य दे दो। वस्तुतः राज्य के पूरे अधिकारी पांडव होते हैं, ये तो पांडु के मर जाने पर इनके लड़के ये छोटे छोटे थे इसलिए इनको राजा नहीं बनाया गया, आप धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। अब समय आ गया है, आप उनका राज्य वापस कर दो, अगर पूरा राज्य वापस नहीं करते हो तो आधा दे दो। तो कहा कि नहीं, आधा नहीं दे सकते। बोले आधा नहीं दे सकते हो तो एक प्रांत दे दो, एक जिला दे दो, कुछ नहीं नहीं नहीं। होते होते भगवान ने कहा कि तुम पांच गांव, पांच भाइयों के लिए केवल पांच गांव दे दो, ये लोग अपना पांच गांव और बाकी राज्य सब तुम्हारे लड़के भोग गए अपना ये निर्वाह कर लेंगे। उस समय दुर्योधन ने कहा कि सूच्यग्रम न दास्यामि, युद्ध के बिना सुई की नोक से जितनी धरती छेदी जा सकती उतनी धरती मैं नहीं दे सकता हूं, युद्ध करके लो तुम में शक्ति हो तो। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा है। और भगवान ने वहां पर यह स्पष्ट कर दिया, भगवान ने कहा कि जो पांडवों के भक्त हैं, पांडवों के मित्र हैं, वह मेरे मित्र हैं, और जो पांडवों से द्वेष करते हैं वह मेरे शत्रु हैं। स्पष्ट कहा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।